भी बहुत सारी दुकान बंद है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इधर का ही व्यू दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए शुभम गेस्ट हाउस, तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं झरिया, ठीक है। और अभी हम लोग कुछ खाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत जोर का भूख लगा है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ हम लोग कहाँ पहुँच गए। मद्रास के भी आप जस्ट सामने देख रहे होंगे, और यहीं पे हम लोग जाएंगे, अभी एंट्री करते हैं। एक्चुअली यहाँ सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने देखिए मसाला डोसा ले लिया है, और चलिए आपको दिखाते हैं इसका टेस्ट कैसा है। और भाई ने भी इधर देखिए ले लिया है मसाला डोसा, सांभर भी है, और सांभर के साथ इंक्लूड है इसमें चटनी, देख लीजिए। और काफ़ी तगड़ा लग रहा है, बना हुआ तो है तगड़ा, आप खा के देखते हैं कैसा लगता है हम लोगों को। फाइनली गाइज डोसा बहुत ही अच्छा बना था, मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा। देखिए हम पूरा प्लेट साफ कर दिए, और भाई ने भी देखिए पूरा प्लेट साफ कर दिया है, देख सकते हैं आप। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं कुछ चाट यहाँ पे लिखा गया है, केसर चॉकलेट पिस्ता बादाम स्ट्रॉबेरी बादाम शेक बादाम मिल्क। और इधर देखिए पिज्ज़ा का कुछ यहाँ पे चाट बना हुआ है, जो प्राइस है पिज्ज़ा का यहाँ पे आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई रेंज था पिज्ज़ा का। और देखिए मद्रास कैफे फ्रंट से कैसा दिखता है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। गाइस हम लोग का तो पेट पूरा फुल हो गया है, ठीक है। मद्रास कैफे यहीं पर आए थे हम लोग खाने के लिए, अब हम लोग सीधा घर चलेंगे। तो गाइस जैसे हम लोग अभी झरिया से वापस आ रहे थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा सब्जी लगाया हुआ है, ठीक है। बंदा गोभी है, फूल गोभी नज़र आ रहा है, धनिया पत्ता है, गंधारी साग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लोग यहाँ काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, आप देख सकते हैं। इतना अच्छा लग रहा है कि हम लोग यहाँ रुक गए। गाइस देखा आपने ब्लॉग को, तो मैं झरिया गया था अपने फ्रेंड के साथ, आप लोगों ने देखा, और काफ़ी ज़्यादा धूप भी उस समय दे रहा था, ठीक है। और लिटरली अभी बारिश स्टार्ट हो गई है, और मैं इंट्रो जैसा स्टार्टिंग में करता तो वो बना नहीं पाया, बट कोई नहीं, ज़्यादा मेहनत लगता है ब्लॉग बनाने में। ऐसा नहीं कि आप नॉर्मल समझ रहे हैं, तो ऐसा गाइज नहीं है, काफ़ी मेहनत लगता है। मैं इतने सारे ब्लॉग बनाया, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, डेली सुबह उठना पड़ता है, एडिटिंग करना पड़ता है, और मेहनत कर रहे हैं। और जिस तरह से मैं अगर सक्सेस इतना दूर पहुंच के सक्सेस को हासिल कर सकता हूं गाइस, तो आप भी क्यों नहीं कर सकते हैं, आप भी हासिल कर सकते हैं, उम्मीद को मत छोड़िए गाइस। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत दिनों के बाद हम लोगों को झरिया जाने का मौका मिला, और वहां गए हम लोग, और कुछ बुक्स लेने थे, तो हम लोगों ने अपना बुक्स ले लिया है। दो बुक्स लेना था, और फ्रेंड को एक लिए स्कूल लेना था, और एक मेरे को भी एक बुक लेना था। तो बुक्स तो मैं हम लोगों ने लिया, घूमे अच्छा लगा। बीच में एक बार क्या हुआ कि हम लोग घूमते 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 रास्ता ही भटक गए, कई सालों के बाद हम लोग झरिया गए थे ना, तो रास्ता भटक गए, बट कोई नहीं, मैप हम लोग के पास था, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहा, हेल्पफुल हुआ। तो गाइस कैसा लगा आज का ब्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत।